लेक्चर्स, अलग अलग विषयों पर डिस्कशंस और साथ ही अलग अलग विषयों पर वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग भी कराते हैं। तो ऐसे हमारा भाग्य है कि ऐसे दीदी के साथ हम जुड़े हुए हैं आज, और हमारा विषय है मुरली मंथन की विधि। तो दीदी, विषय की ओर जाने से पहले हम सब आपकी ज्ञान की जो जर्नी शुरू हुई है, थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे आपकी शुरुआत हुई है। यह सभी हम उसे दीदी से सुनते हैं। ओम शांति। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ तो गुड मॉर्निंग है, लेकिन हम सभी सारे जब दुनिया से जुड़ते हैं तो बाबा कहता है हम सब एक हो जाते हैं। तो परिवार से मिलकर, परिवार के साथ आकर एक अलग उमंग उत्साह आता है कि हम सब कैसे एक सूत्र से जुड़े हुए हैं। और जैसे बिफोर आई इवन स्टार्ट दिस, हम सबको हमारी आदरणीय दीदी चंद्रू दीदी के बारे में पता चला कि उन्होंने अपने अगली जर्नी, जिसे हम कहेंगे एडवांस, वो स्टार्ट करी है। चंद्रू दीदी के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है आशा दीदी से भी, कि किस प्रकार उन्होंने अमेरिका की जो सेवाएं हैं उसका सीड बोया और उसकी वजह से इतनी अच्छी फुलवारी आज हम देख रहे हैं। शी वॉज द सीड जिसकी वजह से हम सभी जुड़े भी हुए हैं, यू नो, वन ऑफ द मेन इंस्ट्रूमेंट्स। और खासकर आशा दीदी ने, जो ORC में हमारे दीदी हैं, उन्होंने भी सभी को याद भी दिया है, फैमिली को, अनुभूति फैमिली को। और जब ऐसी आत्माएं आगे जाती हैं तो वो भले शरीर में नहीं होती, लेकिन हमेशा अपनी लेगेसी को और अपने प्रेजेंस को, अपनी सेवाओं को वो इमॉर्टल, एक जैसे सदा के लिए अविनाशी बना देती हैं। तो हम सब उनके जैसे सेवा के जो फ्रूट है, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि आज अगर वो नहीं होता तो हम यहाँ जुड़े नहीं होते। तो उनको भी हम ऑफकोर्स आप याद करेंगे, और आई एम श्योर वो हम सबको सकाश भी दे रहे हैं। जैसे कि बहन जी ने बोला कि अपनी जर्नी भी मैं बताऊं, और आज का जो टॉपिक है मुरली का मनन, मुरली का चिंतन कैसे करें, तो वेरी इंटरेस्टिंगली जो मेरा कनेक्शन बाबा से हुआ उसमें मुरली का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि शुरू में जो मैंने मुरलियां जो सुनी है, मुझे डायरेक्ट कनेक्शन मुरली से होता था, और मेरे मन में जो कुछ भी बात होती थी, अभी भी है, लेकिन मुझे दूसरे सेटिस्फाई करें या ना करें, दूसरों की शायद मैं बात सुनूं या ना सुनूं, लेकिन मुझे मुरली से आंसर मिल जाता था। तो जब मैं 10वीं कक्षा में थी, 10th में थी, तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, और जो मुरली की भाषा होती है, आपको पता है वो बाबा की भाषा अलग होती है, लेकिन उसमें से 100% नहीं, लेकिन जो भी समझ में आता था वो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बाबा मुझी से बात कर रहे हैं। और उसके बाद आफ्टर 12th मैंने अपनी जर्नी को रेगुलर रीति से स्टार्ट और अच्छे से किया। तो मैं लखनऊ में रहती थी, दैट इज वेयर आई स्टार्टेड। और मेरे जीवन में मैंने ऐसा देखा कि हम कहीं भी गए, जैसे हमने पढ़ाई करी, जॉब भी किया, मुंबई में 2 साल पढ़ाई करी, गुड़गांव में रहे, तो हर जगह हमें बाबा का घर, बाबा का सेंटर या बाबा के बच्चे मिलते रहते थे। और ऐसा लगता था कि अगर इवन इफ आई वांट कि मैं दूसरी जगह चली जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बाबा खींच लेते थे। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि बाबा ने हमारे ऊपर सदा नजर रखी और सदा अपना बना के रखा। और जब जॉब करने लगे, आई वर्कड फॉर अ फ्यू जस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम एज अ बिजनेस एनालिस्ट
गुड़गांव में एक फर्म थी, तो वो यूएस की फर्म लेकिन गुड़गांव में थी। तो ओआरसी तो आते ही थे, तो धीरे धीरे क्लियर हो गया कि मुझे क्या सारा जीवन इस दुनिया में रहना है या इस दुनिया में रहना है। तो थोड़ा सा बड़ों से पूछा और आदरणीय गुलजार दादी ने हमें ये डायरेक्शन दिया कि आप कुछ समय जॉब करते रहे और वीकेंड्स पर ओआरसी आए। तो मैंने कुछ समय, दादी ने तो कुछ समय नहीं कहा था, दादी ने ये उस समय का डायरेक्शन दिया था। तो फॉर अराउंड 1 ईयर और सो मैं मैंने अपनी जॉब भी करा और मैं ओआरसी वीकेंड्स पे आती थी और फ्राइडे को आती थी और उसके बाद मंडे मॉर्निंग यहीं से चली जाती थी ऑफिस। तो दो दुनिया दिखाई देती थी, जगह तो एक थी, था तो वो गुड़गांव का ही क्षेत्र, लेकिन दो एनर्जीज थी वहां पर। भले वो बहुत अच्छा सब कुछ था, लेकिन वो जो दुनिया थी, वो जो लोग थे और जो बाबा का घर, तो दोनों डिफरेंस एकदम दिखाई देता था प्रति प्रति एवरी वीक। तो हमने अपने आप ऐसा फिर जर्नी क्लियर होती गई कि मुझे उस दुनिया में अपना पूरा जीवन तो नहीं देना है, कैसे करना है, क्या करना है, मुझे क्लियर नहीं था। और धीरे धीरे वो क्लियर हो गया और ऐसा जैसे ड्रामा में फिक्स था, एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें आई डिड सम, मुझे सेवा के लिए भी बुलाया गया। और वो सेवा क्या थी मुझे अभी याद आता है कि आपको पता होगा कनुप्रिया बहन थी, उसने शरीर छोड़ दिया कुछ समय पहले। वो क्वेश्चंस पूछती थी, तो गुड़गांव में बहुत बड़ा मेला हो रहा था, बहुत अच्छा, इट वाज अ वेरी नाइस लोकेलिटी, बहुत अच्छा बड़े पैमाने पे किया था। और डॉक्टर अवधेश, आपको पता होगा, उन्होंने भी कुछ समय पहले, तो वो थे और उनको उनका इंटरव्यू होना था। एट दैट टाइम आई वॉज वर्किंग, लेकिन मैं काम ओआरसी आती रहती थी सेवा हर वीकेंड पर। तो मुझे अचानक, मुझे आज भी याद है, मुझे फोन आया, मैं जो सेवा की जो बात है मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे फोन आया 3 बजे कि आप आज ऑफिस आए हैं, आज आप आ सकते हैं शाम को इस जगह पर, इस स्थान पर। तो आई सेड, तो उन्होंने कहा आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, आपने इंडियन कपड़े पहने हुए हैं, सलवार कमीज ऐसा पहना हुआ है। तो मैंने कहा हाँ पहना है, लेकिन ब्लैक पहना हुआ है, क्योंकि कपड़े तो सारे ही पहनते थे, वाइट तो थोड़े से होते थे। तो कहते नो प्रॉब्लम, यू कैन कम, परफेक्ट, आप आ जाइए, क्योंकि ये थोड़ा चेंज हो गया है, आना था उन्हें लेकिन वो आ नहीं रहे कनुप्रिया, तो आप आ जाइए क्वेश्चंस के लिए। तो भले मुझे क्वेश्चंस कोई मैंने ऐसे फॉर्मली नहीं पूछे थे, लेकिन मैंने एक बाबा के ज्ञान में सेवा का एक पार्ट पक्का किया था शुरू से, कि जो भी कहते थे मैं यस कहती थी, जी। तो आई सेड यस आई विल कम एंड आई केम, एंड आई थिंक दैट वाज फर्स्ट जहां पर हमने क्वेश्चन आंसर ऐसे बाबा के डॉक्टर अवधेश और हमारा एक कॉन्वर्सेशन हुआ। वो काफी हर जगह उस समय टीवी होता था तो टीवी पे गए, और इसी मेले से मुझे याद है मुझे पता चला था कि एक भक्ति फीचर स्ट्रेनिंग हो गई है। तो आई विल जस्ट कंप्लीट दिस कि दिस इज हाउ, एंड देन आई वेंट फॉर द टीचर्स ट्रेनिंग। सो दैट वाज माय फ्राइडे वाज माय लास्ट वर्किंग डे, उसी कुछ दिन के बाद ही। एंड मंडे मैं मधुबन में टीचर्स ट्रेनिंग में गई, एंड देन तो वहां तो फोन भी रख लेते हैं, एवरीथिंग इज योर कम्प्लीटली अलोन विद बाबा। तो माई माइंड वॉज कम्प्लीटली क्लियर और मुझे पता चल गया कि दिस इज हाउ, दिस इज ऐसा ही जीवन हमें करना है। और रही बात की डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट रिलीजन, मुझे ये लगता है कि जब मैंने मुरली सुनी, जब मैंने ज्ञान लिया, तो पहला जो मेरा थॉट था वो यही था कि दिस इज वेयर आई बिलोंग। मैं मुझे बाबा को मुझे लगा हाँ ये बाबा है, दिस इज गॉड, मुझे बिल्कुल क्लियर था। और मुझे आज भी याद है कि जब जो सेंटर थे जहाँ पर हम जाते थे, वो सेंटर है लखनऊ का जो दादी गुलजार ने स्टार्ट किया
मतलब स्टार्ट किया, वो ओरिजिनल सेंटर जहां पर ब्रह्मा बाबा भी आए, मामा भी वहां रहे, सारी दादियां। तो इट वाज वेरी ओल्ड, अब तो थोड़ा सा रेनोवेट हो गया, लेकिन उस समय बिल्कुल उसके वाइब्रेशंस, अभी भी वाइब्रेशंस हैं, लेकिन स्ट्रक्चर भी वैसा था। तो वो था तो बहुत सिंपल, और उस समय तो आई वाज वेरी यंग, लेकिन फिर भी मुझे वहां जाके ऐसा लगता था दिस इज, ये जगह ही, यहाँ पर ही आई बिलोंग। और मेरे मन में तभी संकल्प आया था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, बट आई वाज थोड़ा सा टिमिड थी, मैं कैसे बोलूं, मैंने जाके बोल भी दिया। तो रिएक्शन ये था घर वालों का, उन्होंने वो रिलीजन की बात तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमको, पहले तो थोड़ा सा नाराज भी हो, उन्होंने ये कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी बनना चाहते हैं, लेकिन वो तो 4 बजे उठते हैं, तो तुम कितने बजे उठते हो, वो तो बहुत मेहनत करते, तुम तो कुछ करती नहीं हो, क्योंकि तब तो पढ़ते थे। तो फिर मैं समझ गई कि अपने लक्ष्य को किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो समझते नहीं है। और फिर मैंने बताना छोड़ दिया, उसके बाद मैंने कभी कुछ किसी को बताया नहीं कि व्हाट आई फील, हाउ, कितना डीपली मुझे बाबा से कनेक्शन है या क्या है। इवन लास्ट डे तक अपने जॉब के क्लियरली मैंने किसी को भी नहीं बताया था, एक दो लोग थे, क्योंकि जब तक आप मजबूत नहीं हो जाते तब तक आप ऑब्वियसली पता ही चल जाएगा। तो इस प्रकार से फिर मैं कंटिन्यू करती रही मेरा रेगुलर, जैसे मैंने कहा मुरली, मुझे एकदम क्लियर मुरली से कनेक्शन था, और किसी ने कुछ कोई कहता भी था तो मैं कहती थी कि भाई दिस इज अ गुड थिंग, ये तो अच्छी बात है सुबह उठना। और जो प्रॉब्लम, जो बेसिक थोड़ी सी आई, प्रॉब्लम भी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा जो लगता है वो ये था कि जब बिल्कुल मैं यहाँ पर आने का फैसला किया कि नहीं बाबा के घर पे ही रहेंगे, और वो दुनिया में जॉब नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, ये सारा, तो थोड़ा सा तो नेचुरल सी बात है। तो उन्होंने कहा, तो तब तो पता ही था करना तो यही है, ओपन है, थोड़ा एजुकेटेड है, तो उन्होंने कहा आप करते रहो, आप शादी भी कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन कंटिन्यू करो, पूरा नहीं जाना चाहिए, पूरा जाएंगे तो फिर तो ठीक नहीं है, उसके बाद फिर आप जब जरूरत होगी तो फिर नहीं आना। उन्होंने कहा शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है, उसके बाद क्या होता है, जब आप कहीं जाते हैं तो शुरू में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बाद फिर वापस आने का मन करेगा। लेकिन बाबा ने बुद्धि पकड़ी हुई थी, तो मुझे कुछ ऐसा फील ही नहीं हुआ कि डिफिकल्ट है। और अभी ये है, शुरू में तो मैं आ गई, और ऑफ कोर्स द सेकंड प्लस पॉइंट वाज, क्योंकि आते ही मेरी जो सेवा थी वो इंटरव्यूज की थी, टीवी वीडियोस, और जैसे ही आई तो उस समय बहुत ज्यादा पीस ऑफ माइंड पे जो भी इंटरव्यू करते थे वो आते रहते थे। तो द बेनिफिट वाज कि भले वो हम, हमारे पास यहाँ सेंटर पे नहीं थे, लेकिन वो दूर से देखते थे कि हाँ ये हेल्दी है, खुश है, दिखाई दे रहे थे रोज, मतलब हर वीकडे पर। तो वो भी एक, मेरे ख्याल से जब मैं सोचती हूँ, तो वो बाबा की मदद थी, नहीं तो अगर नहीं दिखाई देते तो ढूंढते हुए आते, लेकिन दिखाई देते थे सामने, जैसे टीवी खोलो और टीवी पे आता था, यूट्यूब नहीं बट टीवी पे आता था। तो इस प्रकार से धीरे धीरे, और अभी तो एवरीथिंग इज फाइन, वी अग्री टू डिसअग्री, लेकिन दैट इज हाउ लाइफ इज। तो मुझे ये लगता है कि ये हमारे मन के बंधन होते हैं, और तो कुछ नहीं होता। फिर मुझे ये लगा, मैं स्कूल में गई अपने, बहुत अच्छा एक कॉन्वेंट स्कूल था जहाँ से मैंने पढ़ाई करी थी, मुझे उनसे भी डर लगता था, क्योंकि वहाँ की सेंटर की टीचर ने मुझे उनकी सेवा के लिए भेज दिया, तो मुझे तो बड़ा डर लगता था, क्योंकि उन्होंने, मैंने तो किसी को बताया नहीं था, तो मैं साड़ी पहन के गई, मुझे लगा शायद ये कुछ कहेंगे, लेकिन वहाँ के टीचर्स ने, मेरी जो टीचर्स थी, जो बाकी और लोग थे, सबने बहुत उसे एम्ब्रेस किया, और सभी यही कहते हैं कि आप, हम तो नहीं कर पाए, लेकिन जो भी डिसीजन आपने लिया है बहुत अच्छा लिया है। मैंने यही देखा जी कि अगर हमारा बाबा से कनेक्शन है, मुरली से कनेक्शन है,
और तो सब कुछ ठीक होता रहता है। मैंने सारा अपना चेंज किया धीरे धीरे, भोजन को चेंज किया धीरे धीरे, और जैसे जैसे चेंज किया, जैसे नॉन वेजिटेरियन था तो वेजिटेरियन बने, और जब मैंने डिसाइड किया, मुझे तो अपने ऊपर ही नहीं विश्वास था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि हर जगह नॉर्मल फूड, तब तो छोटे थे बना भी नहीं पाते थे खाना। लेकिन मुझे अभी भी याद है, मैं एक रिलेटिव के पास गई तो भोजन सब था चिकन वगैरह नॉर्मल, तो मैंने 2 दिन पहले ही डिसाइड किया था कि मुझे भोजन जो है वेजिटेरियन खाना है, और मैंने सोचा था 1 हफ्ते ट्राई करूंगी, बहुत पहले की बात है, क्लास 12th किया उसके बाद की। तो मैंने बोला मैं नहीं खाती, तो उन्होंने बोला कब से नहीं खाते, क्योंकि कुछ दिन पहले तो मैं खा रही थी, लेकिन जब मैंने डिसाइड किया तो इट फेल्ट कि मैं कभी खाती नहीं थी, मैंने हमेशा जो धारणा फॉलो करी तो ऐसा लगता था कि मैं सदा उसे फॉलो कर रही थी। तो इस प्रकार से मुझे बाबा की जो मुरली, जो बाबा कहते हैं ना, आप एक कदम हिम्मत का बढ़ाओगे तो बाबा 1,000 कदम आपके आपको मदद करेंगे, वो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, और अभी भी हम अनुभव करते हैं कि कोई भी हम चीज हिम्मत से करने का प्रयास करते हैं तो बाबा पदम गुणा मदद हमें देते हैं, और वो मदद मुझे यहाँ पर बाबा की जो मदद है, पालना है, वो मुझे यहाँ पर बाबा लेके आए। नहीं तो मैं सोच नहीं सकती कि मैं आपके सामने व्हाइट साड़ी में बैठूंगी, मैं तो व्हाइट ही नहीं पहनती थी, साड़ी तो दूर की बात है। तो बाबा जानता है, बाबा की डोर हमारे, अगर हम बाबा को अपनी डोर दे देते हैं तो फिर बाबा चलाता है और सबको संतुष्ट भी करता है। और बाबा ने ये भी कहा है कि सारे तो संतुष्ट नहीं होंगे, 5% तो बचेंगे, आप ठीक करते रहो तो वो धीरे धीरे 5% भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर हम कन्विंस्ड हैं, राइट चीज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली फिर अंदर से तो सभी रिस्पेक्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो ये मुझे अपनी जर्नी में अनुभव हुआ। मैं ओके, आपको तो शॉर्ट्स में बताती हूँ कि जो मेहनत होती है, पवित्रता तो थी तो नॉर्मल, लेकिन भोजन है, जैसे मैंने वेजिटेरियन, और मैंने कोई भी चीज एक साथ नहीं करी, मैंने धीरे 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 सारी चीजें छोड़ी। पहले तो वेजिटेरियन बने, उसके बाद वेजिटेरियन थे तो खाते थे, फिर अनियन गार्लिक छोड़ा, जैन फूड खाने लगे बाहर का ही ऑफ कोर्स, और उसके बाद फिर मैंने भोजन बनाना स्टार्ट किया, और भोजन मुझे बनाना नहीं आता था, ये सब वो मैंने सेंटर पे सीखा, तो रोटी गोल नहीं होती थी तो मैं सोचती रहती थी करूं कैसे। तो मुझे अभी भी याद है सेंटर पे समोसे बन रहे थे ना, इंडिया में खूब समोसे बनते हैं, तो एक बार, और मैंने कभी ना, मुझे सेवा यहाँ पे भी समोसों की नहीं देते, कहीं मुड़ जाएंगे ठीक नहीं होंगे, लेकिन उस समय स्मॉल सेंटर था तो वो कोई भी नहीं था बनाने वाला, उन्होंने कहा आप बैठ जाओ, तो मैं बैठ, क्योंकि मेरी मैंने बाबा से हां जी का पाठ पक्का किया था, तो मैं बैठ गई, तो वो मैंने गोल बेला, और वो जो गोल बेलते ना रोटी, एंड उस दिन के बाद फिर मैंने अपना भोजन प्रारंभ कर दिया बनाना, डिफरेंट डिफरेंट फूड, तो वो भी मैंने युक्ति से बनाया, ऐसा नहीं कि मैंने बोला मैं अभी भोजन नहीं करूंगी किसी के हाथ का, क्योंकि उस समय कोई बनाता था भोजन घर पर, लेकिन आई सेड कि मुझे अब बड़े हो गए, अब खाना भी तो बनाना सीखना चाहिए ना, मुझे अब ठीक डिशेस बनानी चाहिए, तो इस प्रकार से वो थोड़ा समय उसको नॉर्मलाइज कर देती थी, क्योंकि मेरा अनुभव ये था कि अगर आप पूरा अपनी इंटेंसिटी बताते हैं तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए मुझे थोड़ा सा उसको ल्यूक वार्म करके बताना पड़ता था, थोड़ा प्रैक्टिकल बताना पड़ता था कि अभी भोजन बनाना सीख रहे हैं। इसी प्रकार जो मुरली है, मुरली मैं सुनती तो थी, लेकिन मैं रोज सुबह उठकर सेंटर पे जाऊं वो नहीं करती थी, शाम में चली जाती थी, दिन में चली जाती थी, जैसा टाइम है एवरी डे। तो जब मैं गुड़गांव आई थी तो मेरे जहाँ पे हमारा घर था वहां 2 सेंटर्स थे, एक 8th फ्लोर पे घर था, तो एक 8th फ्लोर पे था और एक घर के सामने था, तो देयर वाज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, क्योंकि शॉर्ट है तो मैं इसलिए बताती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा जैसे चाहता है कि मैं छूट ही नहीं सकती, अगर मैं मेन डोर पे जाऊंगी, मेन गेट पे, तो सेंटर को क्रॉस करके ही मुझे जाना है, तो देन आई गेव अप। फिर मैंने एवरी डे ऑफ कोर्स मॉर्निंग में भी जाएंगे, इवनिंग में भी जाएंगे, तो इस प्रकार से सारी जो धारणाएं हैं मेरी
वो पक्की होती गई, जो भोजन की है या अमृत वेले की है। अमृत वेले तो उठा ही नहीं जाता था क्योंकि मैं 3 बजे सोती थी, अमृत वेला करके सो जाती थी। बस 3, 2 to 5 का टाइम है तो मैं सोचती थी अमृत वेला कर लो फिर सो जाओ, क्योंकि ऐसा थोड़ी स्टूडेंट लाइफ में दिनचर्या तो ऐसी होती है। और बस एक चीज है कि अगर हम हिम्मत रखते हैं, कन्विंस्ड हैं, तो बाबा की हमको 1000 times मदद मिलती है। तो मुझे बस ये लगता है कि हम एक स्टेप हिम्मत का करें, वो हिम्मत हमें रखनी है, और बाकी तो बाबा हमें मदद करता है। तो इट्स बिकम्स वेरी इजी, राइट? सो शॉर्ट में तो ये था। और जैसे कि आज का जो टॉपिक दिया था कि मुरली का मंथन, मुरली का चिंतन, उसकी क्या विधि है। और अगेन आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि जो हमको सेवा मिली या जो हमको बाबा ने बिठाया, वो था मुरली का ज्ञान का मनन चिंतन करना या पूछना। तो उससे हमारे जो डायरेक्ट बड़ों से हमको जो दृष्टि मिलती है, जो हमको उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस हम पूछ लेते हैं, और उसके बाद ऑफ कोर्स इनफॉर्मली भी हम काफी चीजें पूछने का हमको ड्रामा में ऐसा चांस मिला, तो कई चीजें क्लियर होती गई। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट। और मैंने ये देखा कि बाबा ने हमारी ब्राह्मण जीवन की लाइफ बहुत नेचुरल बताई है। नाउ जैसे एक क्वेश्चन है कि हाउ टू रिमेम्बर द मुरली पॉइंट्स। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि बाबा ने हमारी जो जीवन बनाई है वो बहुत नेचुरल लाइफ रखी है। बाबा ने हठ योग नहीं सिखाया है। तो राजयोग क्या है? वेरी सिंपली राजयोग क्या है? अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को स्नेह से क्या करना, याद करना, रिमेम्बरेंस। तो वास्तव में हम रिमेम्बर करते हैं बाबा को, और हम कुछ ना कुछ तो याद करते ही हैं, किसी ना किसी को याद करते ही हैं। नाउ इसी को हमें ट्रांसफर कर देना है, बाबा की याद में आ जाना है, तो नेचुरल प्रोसेस है। इसी तरह हम मनन और चिंतन भी करते रहते हैं, राइट? हम सोचते भी रहते हैं बातों को, क्यों, क्या, कैसे, किसने कहा, किस लिए कहा, ये सारी चीजें हम करते रहते हैं नेचुरल लाइफ में। तो वो जो हम नेचुरली करते रहते हैं उसको हमें ज्ञान में परिवर्तन करना है। हम रू रेहान भी करते रहते हैं। रू रेहान क्या है? हम मन से बातें करते रहते हैं सबसे। कोई हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, कोई अपने मन में डायलॉग व्यक्ति उसके मन में चलता रहता है, हमारे चलता है या नहीं चलता, या बिल्कुल शांत रहता है आपका मन? आपको बातें याद नहीं आती है? आती है ना, लोग याद आते हैं, उनसे हम इंटरनल कॉन्वर्सेशन करते हैं। तो ये हमारे नेचुरल लाइफ में चलता रहता है। बाबा ने हमें क्या बतलाया कि इसे हमें ज्ञान में परिवर्तन कर देना है। जो बाबा का ज्ञान है, जो बाबा ने हमें बतलाया है, तो ये बहुत इजी और नेचुरल लाइफ है, ब्राह्मण लाइफ, राइट? तो जब हम मनन की बात करते हैं, मुरली को कैसे हम याद करें, तो पहला जो स्टेप आता है वो आता है श्रवण का। उसे कहते हैं ना, पहले होता है श्रवण, फिर होता है अध्ययन, फिर होता है मंथन, फिर होता है मनन, और फिर होता है मगन। तो श्रवण क्या होता है? श्रवण का मतलब होता है सुनना, राइट? अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ना लिखना। तो अगर मैंने सुना ही नहीं है तो फिर तो हमारा मंथन कैसे होगा? कई बार मुरली मिस कर देते हैं या पूरा नहीं सुनते हैं। तो जब तक वो जितना सुना है उस लेवल का, उस डेप्थ का ही तो मेरे अंदर वो मनन चिंतन चलेगा। तो फर्स्ट स्टेप है कि हम सुने मुरली को एवरी डे। जो बाबा ने बोला ही है कि हमें एवरी डे की मुरली सुननी ही है, पता नहीं कौन सी बात हमें क्लिक कर जाए, राइट? तो मुरली को हम मिस नहीं कर सकते, और जितना हम सुनते हैं उतना हम हमारे अंदर ये जो डेप्थ है वो बनती है। क्योंकि अगर हम मुरली नहीं सुन रहे, ज्ञान नहीं सुन रहे, तो कुछ ना कुछ तो सुन ही रहे। ऐसा तो नहीं है कि हम सुन नहीं रहे। तो वो जो सुनेंगे वो फिर वर्क करेगा, राइट? तो पहली चीज होती है सुनना। आप देखिए, कोई चीज, अब मुरली के अलावा भी कोई चीज होती है,
आपके बारे में कोई बात कर रहा है, आप सुनते हैं कि सो एंड सो इज टॉकिंग अबाउट मी, तो तुरंत क्या होता है, आपको कोई कोई आपको मैसेज आया है, आपके बारे में कोई बात कर रहा है, आप क्या करेंगे? आप तुरंत कहेंगे मुझे दिखाओ और बताओ इसके बारे में, दिखाओ पढ़ाओ, ईमेल क्या है, क्या बोला उसने, फिर उसका क्या करेंगे हम, मंथन करेंगे। मंथन का मतलब क्या होता है, क्या क्यों कैसे, क्या बोला, किसने बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, कैसे वो बात आई, करते हैं ना हम पूरा, हम उसका पूरा एनालिसिस करते रहते हैं, क्या हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ आगे क्या होगा हम क्या करेंगे, और उसके बाद करते करते आप क्यों एक बात स्ट्राइक कर जाती है कि वो उसने मुझे ऐसा बोला, ये सोच रहे थे, अच्छा ये बात थी, तो क्या होता है वो बात हमें हर्ट करती है या हमें क्रोधित कर देती है या बहुत हमें डिप्रेस कर देती है, और हम उस स्वरूप में आ जाते हैं, यानी मगन हो जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये प्रोसेस हम नेगेटिविटी में यूज करते ही है ना, पर चिंतन में यूज करते हैं, राइट, कि कोई बात सुनते हैं फिर उसको और देखते हैं, छोड़ते नहीं है, आपने सुनी उसको लेट गो कर दीजिए, लेकिन हम उसका और अध्ययन करते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं क्या क्यों कैसे ऐसे, फिर वो बात उसमें से जो निकलता है ना वो हमारे माइंड में फिक्स हो जाता है, और वो फिर हम उस फीलिंग में आ जाते हैं, उस स्वरूप में आ जाते हैं। अगर इसी को ही हम ज्ञान में ट्रांसफर करते हैं कि जो हमने सुना उसको हम ठीक से, और उसके बारे में बाबा ने इस पॉइंट के बारे में और क्या क्या कहा है, और इसके बारे में क्या टेक्स्ट है, जैसे बाबा कहता ना पवित्रता, तो पवित्रता की कितनी सारी मुरलियां हैं, उसका हम और अध्ययन कर सकते हैं, राइट, और फिर क्या क्यों कैसे इसका मेरे जीवन में उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, बाबा ने इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा, जब हम ये क्या क्यों कैसे कब ये सारे क्वेश्चंस अप्लाई करते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली उसकी डेप्थ आ जाती है, और वो एक पॉइंट को हम पकड़ लेते हैं और उस स्वरूप में हम टिक जाते हैं। तो जो हम अज्ञान काल में करते आए हैं, जो हम पर चिंतन पर दर्शन में करते आए हैं, उसको हमें केवल क्या करना है, ज्ञान में ट्रांसफर कर देना है, दैट इज ऑल, राइट। लेकिन इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप क्या है, जैसे बताया पहला स्टेप है सुनने का और पढ़ने का। अगर आपने सुना और पढ़ा नहीं है, अध्ययन नहीं किया है, तो हमारा मनन चिंतन नहीं होगा। तो कई बार हम क्या करते हैं, मनन चिंतन जो है, जो मुरली का मनन चिंतन, जो मंथन है, बाबा कहते हैं वो मुरली का होता है, और अगर हम कोई दूसरी चीज का मनन चिंतन कर रहे हैं तो वो व्यर्थ चिंतन में जाता है। जैसे आप पानी को अगर फेंटते हैं तो क्या होता है, पानी को आप फेंटते रहे तो क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, आपकी एनर्जी भी जाएगी, आप थकेंगे भी, और पानी वैसे की वैसी रहता है, राइट। लेकिन अगर आप दूध को दही को फेंटते हैं, फेंटते रहे मंथन उसको, तो क्या होगा, थोड़ी समय के बाद उसके अंदर से क्या निकल आता है, उसका मक्खन निकल आता है, राइट, वो सेपरेट हो जाता है, और वो जो मक्खन है वो था तो उसके अंदर ही, राइट, मिक्स्ड था। अब वो जो मक्खन है उसके अंदर काफी ताकत होती है, दोनों चीजें सेपरेट हो जाती हैं, और वो मक्खन वापस नहीं मिक्स होता, राइट, वो सेपरेट हो गया, यू कैन, आप चम्मच से उसे निकाल सकते, एकदम अलग हो गया। तो इसी तरह जब हम ज्ञान का मंथन करते हैं, फिर मनन करते हैं एक बात पर, तो वो ज्ञान मक्खन की तरह पावरफुल हो जाता है और वो हमारा बन जाता है, राइट। तो ये है डाइजेस्ट करना नॉलेज को। जब तक आप फूड को डाइजेस्ट नहीं करते वो आपका नहीं बनता। हमारा जो शरीर है वो किस चीज से बना हुआ है, भोजन से बना हुआ है। अब कोई बटर खाता है या जनरली आजकल कुछ भी खाएगा तो वो कहाँ जाता है, कैसे पता चलता है, शरीर में आता है, या कोई भी चीज हम भोजन खाते हैं तो हमारा शरीर वास्तव में भोजन से ही बना हुआ है, जिस प्रकार का हम भोजन खा रहे हैं, राइट। तो वो भोजन अब भोजन नहीं है, लेकिन वो मेरे शरीर का हिस्सा बन गया है। इसी प्रकार
अगर हम मुरली को केवल ऊपर ऊपर से सुन लेते हैं या सुनते भी ठीक से नहीं है, तो क्या होता है, वो मुरली अलग है, ज्ञान अलग है, बाबा की बात अलग है और मैं अलग हूं, वो चीज मेरी नहीं बनी। तो मुरली को ज्ञान का हमें स्वरूप बनना है, ज्ञान मेरा बन जाए, उसके लिए हमें उसको डाइजेस्ट करना है। बुद्धि से जितना हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको सुनते हैं, उसको और अध्ययन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, क्वेश्चन जो हम अपने आप से पूछते हैं, और जितना जितना हम एक बात के ऊपर, एक बात की डेप्थ में जाते हैं, वो धीरे धीरे वो रियलाइजेशन हमारे अंदर आ जाता है कि अच्छा, पवित्रता वास्तव में ये है। पवित्रता तो क्या है, वो मेरी आत्मा का नेचुरल नेचर है, बस इतना ही है। पवित्रता क्या है, ट्रांसपेरेंसी है, पवित्र चीज हमेशा ट्रांसपेरेंट होती है। पवित्रता क्या है, वैल्यूएबल वैल्यू है, जो हमको बहुमूल्य बनाती है, राइट। कोई भी चीज हम प्योर खरीदना चाहते हैं, इम्प्योर नहीं लेते हैं। पवित्रता सुख शांति की जननी है। अगर आप इसी शब्द को ले ले कि जब आप पवित्र होते हैं तो आप हमेशा सुखी रहेंगे, आप शांत रहेंगे, क्योंकि हमारी पवित्रता ऑफ कोर्स ब्रह्मचर्य है, लेकिन बाबा ने हमारी पवित्रता क्या बतलाई है, मन की पवित्रता। कि हमारे अंदर पवित्रता का मतलब है कोई भी प्रकार की वेस्ट थिंकिंग नहीं आएगी, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान ये सब अपवित्रता है, और वेस्ट थॉट्स भी बाबा ने बताए हैं वो भी अपवित्रता है। तो जब हमारा माइंड क्लियर है तभी हम सुख की और शांति की अनुभूति कर सकते हैं। तो पवित्रता के शब्द को ही हम कितना प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। पवित्रता बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन पवित्रता एक्चुअली में प्रैक्टिकल फॉर्म में क्या होगा कि पवित्र व्यक्ति का मन शांत रहेगा, उसके अंदर उलझन नहीं होगी। और जिसका मन शांत है, उलझन नहीं है, उसका चेहरा कैसा होगा, स्वरूप कैसा होगा, हर्षित मुख होगा। उसकी लाइफ में वो कैसा रहेगा, हल्का रहेगा, उसको बोझ महसूस नहीं होगा। ये पवित्रता का प्रैक्टिकल फॉर्म है। तो जब हम पवित्रता, जैसे पवित्रता की बात को गहराई से अगर हम उसको समझते हैं, सोचते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, उसको अपने जीवन में लाते हैं, तो हमारा प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है वो हमें पता चलता है। तो पवित्रता फरिश्ता जीवन, राइट। तो ये कैसे एकदम प्रैक्टिकल हम देख सकते हैं कि एक चीज से हम, हमारे जीवन में क्या एप्लीकेशन है वो हमें समझ में आती है। अब हर एक व्यक्ति खुश भी रहना चाहता है, हल्का भी रहना चाहता है, वेस्ट थिंकिंग नहीं चाहता है, उसका बेसिस क्या है, पवित्रता। आर यू गेटिंग दैट? यस। तो इस प्रकार से जब हम पॉइंट्स को सिर्फ पॉइंट्स नहीं लेते, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी वो जीवन में जब हमारे उतर आता है, वास्तव में वो है उस, वो जो मुरली का मनन और उसका फिर मगन होकर वो स्वरूप बन जाना, वो हमारे जीवन में आ जाना। जैसे भोजन हमारा शरीर बन जाता है, शरीर के वाइटल ऑर्गन्स को हर प्रकार के उसको नरिश करता है, इसी प्रकार मुरली आत्मा को नरिश करती है, फूड फॉर द सोल, राइट। इसीलिए डाइजेस्ट करना उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है, हाउ टू रिमेम्बर द मुरली पॉइंट्स। तो बाबा ने हमें चार पेज की मुरली दी है, चार पेज की मुरली है, तो आप मुरली पॉइंट्स को कैसे रिमेम्बर करेंगे? क्या सारी मुरली को याद करेंगे, रटेंगे, क्या करेंगे? कई बार कईयों की जो मेमोरी होती है बहुत शार्प होती है, लेकिन वो शार्प मेमोरी भी मुरली में नहीं चलती, उनको सारी बातें याद रहेंगी मुरली को छोड़कर। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो सुनने के समय मेरी बुद्धि अगर भटक रही है तो हम मुरली को ग्रास्प नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम मुरली सुनते हैं तो हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं,
योग के माध्यम से अपने आप को शांत करते हैं कि जो कुछ भी हम सुन रहे हैं वो पूरा मेरे अंदर जाए। और मुरली को सुनते समय अगर हम पूरी रीति से उसे सुनते हैं, कई बार आप तो ध्यान से सुनते होंगे लेकिन कई बार हम मल्टीटास्क भी कर देते हैं मुरली के टाइम, कुछ कुछ काम भी हम साथ में कर लेते हैं, तो मुरली हम अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि मुरली आत्मा तक पहुंचनी है। तो इसीलिए हमें आत्म अभिमानी होकर बैठना है, तभी मुरली मेरे भीतर जाती है, राइट। दूसरा, अगर हम मुरली सुनते हैं तो हम बीच बीच में अपनी चेकिंग करें कि क्या हम एकाग्रता से जो बाबा ने मुझ आत्मा को कहा मैं सुन रही हूं, बाबा मुझ आत्मा से बात कर रहा है, अकेले हैं हम और कोई नहीं है, चाहे हम क्लास में बैठे हो चाहे ऑनलाइन बैठे हो, लेकिन बाबा मुझ आत्मा से बातें कर रहा है, बाबा ने मेरे लिए क्या कहा। अगर जनरल मुरली चल रही है वो तो सत्संग है, सत्संग में हम सुनते हैं, फिर कुछ सुनते हैं, कुछ अच्छा लगता है हम छोड़ देते हैं, लेकिन कोई अगर मुझसे पर्सनली बात करता है तो हम क्या करते हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं। तो मुरली वास्तव में मेरा बाबा मुझे पर्सनली मुझसे बात करे, वो लव लेटर मेरा है। तो भाई साहब ब्रजमोहन भाई जी ने बहुत सुंदर एक बार बात कही थी बहुत वर्षों पहले, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बार वो मुरली सुना रहे थे एंड आई ऑलवेज यूज दैट, तो जनरली तो सिस्टर्स सुनाते दीदियां सुनाते, तो वो मुरली सुना रहे थे काफी वर्ष पहले। तो उन्होंने बताया कि जब मुरली सुनाते हैं तो आप ये सोचो कि जब आपका कोई बिलावड है, कोई आपका कोई बहुत स्नेही है, वो आपको लेटर भेजता है और वो लेटर पोस्टमैन से आप कहते हैं पढ़ो, तो पोस्टमैन उस लेटर को पढ़ रहा है, आप पोस्टमैन को देखते हैं, लेकिन पोस्टमैन की याद रहती है या उस व्यक्ति की याद रहती है, ऐसा होता है ना, जिसने लेटर भेजा है, जो जिससे मेरा स्नेह है, जिसका मुझे लेटर लव लेटर मिला है, तो हम उसको याद करेंगे, भले पढ़ने वाला पोस्टमैन है, पोस्टमैन को हम याद नहीं करते, हमारी बुद्धि क्या रहेगी कि क्या बोला उसने, आगे पढ़ो। तो इस तरह भले पढ़ रहे हैं हम जो भी इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वो लेटर किसका है, किसके लिए है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा के थ्रू मुझ आत्मा को ये बात बताई है, तो हमें ये समझना है बाबा मुझसे डायरेक्ट बोल रहा है, तुम्हारी बुद्धि कभी भी इधर उधर नहीं भागेगी, राइट। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन हमें मुरली से जोड़ना है, इज दैट क्लियर। तो जब डायरेक्ट होगा और उस समय फिर हमारी बुद्धि को हम चेक करें। कई बार हम सेवा के ख्याल भी करते हैं, तो बाबा ने तो हमें ये भी कहा है कि सेवा की थिंकिंग करना भी क्या है, एक प्रकार से उस समय वेस्ट थॉट है। तो जब योग का समय है तो हम योग करें, मुरली का है तो हमारी बुद्धि उस मुरली को ग्रास्प कर रही हो, सेवा के समय तो ऑफकोर्स हम बाबा और सेवा ऐड करते हैं। तो ये चीज हमें चेक करते हैं। कई बार हम मुरली सुनते हैं और सारी प्लानिंग कर लेते हैं, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद उठ के क्या करना है, तो बैठे हैं और मन हमारा क्या करता है, पूरे दिन का प्लानिंग बना लेता है या पूरा एनालिसिस कर लेता है, तो ये वेस्ट थॉट में आता है, तो हमने उस समय मुरली सुनी नहीं है, राइट। तो अगर हम श्रवण ठीक से करेंगे, मुरली को ठीक से सुनेंगे, तो हमको वो बात याद रहेगी। तो मुरली सुनने के बाद इमीडिएटली या सुनते समय हम सारी मुरली नहीं, लेकिन कम से कम हमें एक बात तो हमारे दिल को छूती है, एक नई बात हमें पता चलती है, तो वो एक पॉइंट को हम ले लें, आज बाबे ने मेरे लिए नया क्या कहा, या आज की मुरली से कौन सी बात मुझे टच करी है? एक पॉइंट तो ले सकते हैं ना, राइट। आप उस एक पॉइंट को ही याद रखें, अगर आप एवरी डे एक नया पॉइंट लेंगे तो आप 365 डेज में क्या हो गया, 365 पॉइंट्स हो गए। तो आप पूरी मुरली आपको याद नहीं रहती, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप सुनने का पूरा प्रयास करें और उसमें से सिर्फ एक बात को ले लें, एवरी डे की नई बात। कई बार
खासकर यहाँ भारत में कई बार जब क्लास में कोई बैठते हैं, बड़ा क्लास चलता है, तो कई लोग उनसे पूछो, भारत में क्या हर जगह आपने क्या सुना, माताओं से पूछते हैं, बुरी बुरी माताएं होती हैं, तो मुरली को रिपीट करो, तो वो बोलते हैं जो कॉमन थ्रेड है बाबा की मुरली का वो ये है, अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करो। तो बाबा तो रोज कहता है, तो और कई कहते हैं ये तो रोज वही आता है ना, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करो, यही तो मुरली है। लेकिन अगर आप इसी को ही ले लें कि आप आत्मा समझ के बाबा को याद कर पाते हैं या करते हैं, आत्मा समझना ही तो मेन एफर्ट है सारा, राइट? तो इस तरीके से अगर हम जनरलाइज कर देते हैं तो इसका मतलब हमने मुरली को ध्यान से सुना ही नहीं है, क्योंकि एवरी डे बाबा के गहरे गहरे पॉइंट्स होते हैं, कोई ना कोई नई बात होती है जो हमने उस समय हमने सोची ही नहीं थी। जैसे आज, यानी आपके लिए तो आज है, हमारे लिए तो 3 है, आपके लिए 2 है, 2 की मुरली में बाबा ने कहा ईश्वरीय संस्कार। अब दैवी संस्कार तो सुना है, ईश्वर के संस्कार कैसे होते हैं, क्या होते हैं ईश्वर के संस्कार, ईश्वरीय संस्कारों को यूज करने का मतलब क्या होगा? तो ये बहुत ही सुंदर बात है, आप इस पे सोच सकते हैं, ईश्वरीय संस्कार क्या है। हम देवता तो बन रहे हैं लेकिन ईश्वर के ईश्वरीय संस्कारों को कैसे यूज करें। ईश्वर के संस्कार क्या है, वो रहम दिल है, जनरस है, समदृष्टि है उसकी, राइट? कोई भी भेदभाव नहीं है, ईश्वर अपने चित्त पे बातें नहीं रखता, पुरानी पुरानी किसने क्या कहा, इन्हीं ने आज भी होमवर्क नहीं किया, आज भी मेरी बात नहीं सुनी, तो इनको आज मीठे बच्चे नहीं कहना, ऐसा तो नहीं होता। ईश्वर के संस्कार क्या है तो वो हम सोच सकते हैं, ईश्वरीय संस्कार क्या है। अगर हम ईश्वरीय संस्कारों को यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो हम देखेंगे हाँ मुझे ईश्वरीय संस्कार यूज करने की जरूरत है, मुझे भी रहम दिल बनना है, मुझे भी फॉरगिविंग बनना है, मुझे भी सबको एक जैसा देखना है, राइट? तो हम कोई भी बात अगर मुरली की लेंगे, एक पॉइंट भी, उसको हमें अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाने के लिए उसके ऊपर अपना मनन चिंतन, वो मक्खन निकालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो मेरे जीवन में ट्रांसलेट नहीं होता, वो सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है? तो मुरली के पॉइंट्स में हम सिर्फ केवल एक ही पॉइंट लें, ज्यादा नहीं लें। अगर हमें डिफिकल्टी होती है तो हम एक नई पॉइंट एवरी डे लें, एवरी डे की एक नई पॉइंट धारणा की या ज्ञान की, राइट? फिर दूसरा क्वेश्चन एक है, हाउ टू स्टॉप द वेस्ट थॉट्स। तो ये तो सारा खेल ही है वेस्ट थॉट्स का ना, बाबा ने तो हमें बताया है कि वेस्ट थॉट्स को समाप्त करने की युक्ति है। वेस्ट थॉट्स की जगह हम क्या चाहते हैं, व्यर्थ की जगह हम क्या चाहते हैं, हमारे अंदर समर्थ संकल्प चले, समर्थ यानी पावरफुल थॉट्स। तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि जो पावरफुल थॉट्स हैं वो कहाँ से आते हैं, जब पावरफुल बेस होता है, जैसे दही को फेटेंगे तो मक्खन निकलेगा, पावरफुल चीज निकलेगी, और पानी को फेटेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। तो पानी को फेटने की जगह हमें दही को फेटना है, अर्थात जो हमारा सोर्स है पावरफुल थॉट्स का वो है बाबा के महावाक्य, राइट? और हमारा सोर्स है वेस्ट थॉट्स का दुनिया की बातें, मनुष्य की बातें। कोई भी चीज जो हम देखते हैं सुनते हैं वो मनुष्य मत से आई है, राइट? किसी मनुष्य ने सोचा है, किसी मनुष्य ने डिस्कवर किया है, किसी मनुष्य के मन की बात है, वही तो हम सोचते हैं, और क्या सोचते हैं, राइट? तो जब हम उस पे सोचते हैं, उसको देखते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, तो व्यर्थ का खाता बनता है। लेकिन जब हम मुरली जो बाबा के मन से आई है, ईश्वर के मन से आई है, जब हम उसके ऊपर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो फिर हमारा जो है, जिसका हम कहते हैं मक्खन निकलता है, या फिर हमारे अंदर वो शक्ति आती है और हमारे वेस्ट थॉट्स अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो वेस्ट थॉट्स को खत्म करने की बहुत अच्छी युक्ति है बाबा के महावाक्य, और हमको हमेशा बताया ही गया है, आप तो जरूर प्रैक्टिस करते ही होंगे,
दादी गुलजार के भी हमें कई क्लासेस याद हैं, तो दादी का जो हम और हम सभी प्रैक्टिस भी करते थे, आप भी जरूर करते होंगे, कि अगर बहुत मन में वेस्ट थॉट्स हो उस समय योग नहीं लगता है। आप बैठेंगे, आप सोचो आपका योग लग जाए, योग थोड़ी ना लगेगा, क्योंकि आपके अंदर इतनी सारी बातें आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे? इतनी सारी बातें हैं, योग लग नहीं रहा है, तो हम उस समय मुरली उठा लें। अव्यक्त मुरलियां तो आपके पास होंगी, और नहीं है तो आप जरूर उसको अपने पास रखें, क्योंकि वो खजाना है, और आप कोई भी मुरली उठा के पढ़ें। तो दादी का मुझे मुझे याद है, हम क्लास सुनते थे कि दादी कहते थे आप कोई भी मुरली पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, 3-4 पढ़ते जाइए, आप देखेंगे आपका मन शांत हो जाएगा। और मैं भी ये प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि कई बार हम सेवा में बिजी हो जाते हैं, माइंड हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो शांत कर वो बातें बार बार आती हैं माइंड में। तो एक मुरली आप पढ़ेंगे, आप पढ़ रहे होंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। पढ़ तो रहे हैं, फिर आप दूसरी पढ़ लीजिए, तो आप धीरे, बाय द टाइम आप तीसरी मुरली पे होंगे, आप देखेंगे आपका माइंड सेटल होने लगेगा, और आपको वो बात का आंसर बाबा हमको देता है, एग्जैक्टली देता है आपको क्या करना है। यही बाबा की पालना है, भले वो मुरली होगी 1969 की, लेकिन आज 2002 में भी मुझे वो आंसर मिलेगा जो मुझे चाहिए, राइट? तो वेस्ट थॉट समाप्त करने का बहुत इजी तरीका है कि हम मुरली का अध्ययन करें। आई जस्ट स्टार्ट रीडिंग द मुरली एट दैट टाइम, जैसे रीड करते हैं तो हम उसे रीड करें, तो आपको उसका वेस्ट थॉट्स काफी हद तक हमारे कम हो जाते हैं। और यही प्रैक्टिस हम अमृत वेला जब हम अपना अभ्यास करने प्रारंभ करते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा मुरली पढ़ लेते हैं और फिर बैठते हैं, तो हम पाएंगे कि जो रात की बातें हैं, कोई बात हुई, नॉट नेसेसरली वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वेस्ट थिंकिंग होती है, तो हम उसे अपने मुरली के पॉइंट से रिप्लेस करेंगे, तो अपने आप मन हमारा शांत हो जाएगा, और ना ही केवल शांत होगा लेकिन पावरफुल भी बन जाएगा। हाउ डिड यू मेंटेन योर स्थिति इन योर माइंड एंड वर्ड्स व्हेन योर फैमिली मस्ट हैव शोन ऑपोजिशन टू योर न्यू वेज ऑफ लिविंग, टू नॉट क्विट नॉन वेज, टू नॉट टू बी अवे फ्रॉम योर ओन रिलीजन एक्सेट्रा। एनी वेज, सो इसको शॉर्ट में मैं बोलती हूँ कि नॉनवेज की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो मैंने देखा मदद मिली, थोड़ा सा लोग मजाक बनाएंगे, थोड़ा सा आपको हानि लाभ निंदा स्तुति जय पराजय वाली जो स्थिति है वो थोड़ा आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप सोचे सब लोग एक जैसे आपको स्वीकार करने लगे, आपकी रिस्पेक्ट करने लगे, मानने लगे, ये नहीं होगा, क्योंकि वो हमको हमेशा से जानते हैं, दे नो अस थ्रू एंड थ्रू। हमारे जो घर वाले हैं, जो हमारे क्लोज होते हैं, वो हमारे सबसे हमारे हर एक चीज को जानते हैं, हमारी वीकनेसेस को जानते हैं, राइट? तो उनके साथ हमें क्या करना, वो हमको जब जानते हैं तो हमारे थोड़े थोड़े स्टेप्स को अप्रिशिएट नहीं करते, जब तक हमारे अंदर वो मैसिव चेंज ना आ जाए, तो उस समय हमें ये पता चलता है कि ये बाबा ने जो भी हमें लोग दिया, चाहे घर के लोग हो या कोई भी हमारे जीवन में एक व्यक्ति हो, वो हमें परफेक्ट बनाता है। अदरवाइज तो हम सोचेंगे हम तो परफेक्ट बन गए, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो हमें थोड़ा सा भी बताता है तो हम अपनी तपस्या को और बढ़ाते हैं, राइट? तो मैंने केवल जो हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो बाबा कहते हैं, उसको बढ़ाने का प्रयास किया, कन्विंस करना तो मैंने छोड़ दिया, राइट? तो अगर हम केवल अपने लाइफ को ठीक करते हैं, जो बाबा जैसे कह रहा है उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं, बहुत मेहनत, थोड़ी मेहनत तो लगती है ना, थोड़ा आप इवन जल्दी उठना भी, आप अगर आप कहें मैं ज्ञान योग करती हूँ लेकिन अब सुबह उठे ना, तो वो तो देख रहे हैं, ये तो सोती है, तो फिर कैसे होगा? तो फिर उठने की भी मेहनत करते थे, तो सब कुछ जो कहा था उसको प्रैक्टिकल में करते हैं जब, तो लोगों का आपस में जो हमारे साथी हैं उनका वो अपने आप चीजें क्लियर हो जाती है। आई थिंक उतना ही हम करेंगे तो लोग कन्विंस हो जाते हैं।